सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। बिहार के नालंदा ज़िले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जी हाँ, ये घटना है एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बिहार के नालंदा में एक बुजुर्ग को सांप ने डस लिया तो शराब के नशे में उन्हें इस बात का इतना गुस्सा आया कि आखिर मुझे सांप ने क्यों काटा है। उन्होंने सांप को पकड़कर कच्चा चबा लिया। हालांकि कुछ ही देर के बाद उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रामा महतो है। वो 65 साल के बुजुर्ग थे। वह नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र के माधवपुर डीह गांव के बाशिंदे थे। थाना पुलिस ने मौत की FIR दर्ज कर ली है। बताया जाता है कि रामा महतो को करैत सांप के बच्चे पोवा ने शनिवार रात करीब 8 बजे घर के दरवाजे पर डस लिया था। उस वक्त शराब के नशे में रहे महतो ने सांप को पकड़ लिया और यह कहते हुए चबाने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे काटते हो, मैं तुम्हें काटूंगा। इसके बाद बुजुर्ग ने सांप को चबा चबा कर मार डाला। चबाने के दौरान सांप ने बुजुर्ग को मुंह में कई जगह काट लिया। इससे बुजुर्ग लहूलुहान हो गए। सांप को चबाने के बाद भी रामा महतो नहीं माने। अंत में मरे हुए सांप को घर के पास छोटे से पेड़ की टहनी में टांग दिया और सोने चले गए। स्वजन ने इन्हें इलाज कराने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि सांप का बच्चा था, जहर नहीं चढ़ेगा। इस पर स्वजनों ने भी जोर नहीं दिया। रविवार की सुबह जब परिवार के लोगों ने उन्हें अचेत देखा तो अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी मौत हो चुकी। माधोपुर पंचायत के परामर्शी समिति अध्यक्ष भूषण प्रसाद ने बताया कि रामा महतो शनिवार शाम माधोपुर बाजार से लौटकर अपने घर के दरवाजे के पास बैठे ही थे कि सांप ने उन्हें डस लिया था। थाना पुलिस ने मौत की FIR दर्ज कर ली है। सोचने वाली बात यह है कि ये घटना उस सूबे में, उस राज्य में हो रहा है जहाँ शराबबंदी है, लेकिन एक बुजुर्ग शराब के नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि उन्हें सांप के काटने पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सांप को ही काट खाते हैं और नतीजा ये होता है कि उनकी मौत हो जाती है। देखना यह है कि कब वो दिन आएगा जब बिहार में शराबबंदी वाकई जमीनी स्तर पर भी हो जाएगा, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में हर ज़िले से ये खबर आती है कि यहाँ 250 बोतल, 2500 बोतल, 1200, 1000 बोतल शराब बरामद हो गई। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।